अग्निकांड से बचाव एवं सुरक्षा के लिए निकाली गई जागरूकता रैली। बेगूसराय में अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी 14 अप्रैल से भीषण गर्मी में शिकार बन रहे अग्निकांड से बचाव को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक रैली निकाली गई। यह रैली जिला गृह रक्षा वाहिनी के DSP के दिशा निर्देश पर अग्निशमन विभाग के कर्मियों के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस दौरान होमगार्ड के दर्जनों से अधिक जवान एवं अग्निशमन विभाग के कर्मी शामिल हुए। रैली के माध्यम से लोगों के बीच पंपलेट वितरण किए गए और तकरीबन 4 किलोमीटर तक पदयात्रा निकाली गई, जो मुख्यालय स्थित होमगार्ड कार्यालय से चलकर पुलिस लाइन पहुंचकर इसका समापन हुआ। इस दौरान DSP मनीष कुमार ने बताया कि अत्यधिक गर्मी के कारण अग्निकांडों की घटना बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इसकी रोकथाम और बचाव को लेकर अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी 14 अप्रैल से जागरूकता रैली निकाली जा रही है, ताकि जिले में बढ़ते अग्निकांड को रोका जा सके। आपको बताते चलें कि वर्ष 1944 में मुंबई अस्तित्व बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज में अचानक उस वक्त आग लग गई थी जब रूई सहित विस्फोटक पदार्थ तथा युद्ध उपकरण की सामग्री से लदे हुए थे। इस आग को शांत कराने में जुटे लगभग 66 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और तभी से 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष देश में अग्निशमन विभाग के द्वारा अग्निकांडों की रोकथाम और बचाव के लिए जागरूकता रैली निकाली जाती रही है, ताकि भीषण आग की कहर से निजात मिल सके। BNP न्यूज के लिए बेगूसराय से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। ये जागरूकता निकाली जा रही है, पब्लिक के बीच में अवेयरनेस फैलाने कोशिश किया जा रहा है ताकि आग लगने की घटना कम हो सके। और गर्मी का मौसम है, इस बार आग लगने की घटना काफ़ी हो रही है और सारा ये जो कछुआ हवा चल रहा है गर्मी काफ़ी है, इसलिए हम लोग चाहते हैं ये तो 14 से 20 अप्रैल जो है हर साल मनाया जाता है और ये मतलब लोगों में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य है। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? ये यहाँ से होते हुए रेलवे स्टेशन होते हुए फिर आगे समाज तक जाएंगे। पुलिस लाइन पुलिस लाइन हाँ पुलिस लाइन।